आई एवरी वन दिस इज़ अतिया जाना बन टूडे आम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ़ पर्पज स्टेटमेंट ऑफ़ पर्पज़ क्लास ट्वेल्थ आई एस सी बोर्ड में पूछा जाता है मैंने आपको पेपर पैटर्न जब डिस्कस किया था क्लास ट्वेल्थ आई एस सी बोर्ड का उसमें मैंने आपको बताया था कि फिफ्टीन मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें से कुछ भी टॉपिक आ सकता है जो आपको प्रिपेयर करना है ओके okay. इतने सारे टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं जिसमें से मैंने पर्सनल प्रोफाइल पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और दस मार्क्स का जो प्रपोजल राइटिंग आता है उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ पर्सनल प्रोफाइल के बाद अब मैं डिस्कस करूंगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सो लेट्स स्टार्ट पर्सनल प्रोफाइल पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि पर्सनल प्रोफाइल और स्टेटमेंट ऑफ़ पर्पस में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और स्टेटमेंट ऑफ़ पर्पस क्यों अप्लाई किया जाता है और पर्सनल प्रोफाइल क्यों लिखा जाता है फ़ाइन तो यहाँ पे मैं डिफरेंस को नहीं बताऊंगी आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार स्टेटमेंट ऑफ़ पर्पस लिखा जाता है जब कभी भी आपको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता है या कहीं जॉब अप्लाई करना होती है वहाँ पे आपको एक पर्पस बताना होता है स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे केवल एक सेंटेंस नहीं है स्टेटमेंट का मतलब है एक कॉम्पोजिशन यानी आपको उस पर्पस को एक्सप्लेन करना है एक कॉम्पोजिशन में जिस वजह से आप उस इंस्टीट्यूट को जहाँ आपको एडमिशन लेना है वो ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आपको कहीं जॉब अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो ताकि आप ये बता पाओ कि आप उस जॉब के लिए कैसे फिट हो ओके okay. कैसे आप सुटेबल हो आपको ही क्यों सेलेक्ट किया जाए उस जॉब के लिए और आपको ही क्यों एडमिशन दिया जाए उस यूनिवर्सिटी में तो आपको पर्पस बताना होता है उसमें तो कुल मिला के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको अपने साथ साथ उस इंस्टीट्यूट और जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है तो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि जो एस आप लिखते हो जॉब अप्लाई करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए वो एक आपको मौका देता है आप अपने राइटिंग से राइटिंग यहाँ पर है कॉम्पोजिशन जैसा आप लिखोगे अपने बारे में और उस इंस्टीट्यूट की और या फिर आप जॉब अप्लाई के लिए जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए उसकी तारीफ बांधोगे यानी उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है आप जहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एक तरीके से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो उस सेलेक्टर से जो आपको अपॉइंट करने वाला है ओके तो दिस इज अ चांस फॉर पर पर्सन टू टॉक डायरेक्टली टू द सेलेक्टर्स फाइन और आप अपने को दिखा सकते हो कि येस यू आर द फिट

उसके बाद ही फौरन आपको कन्विंसिंग रीजन्स आपको ऐसे रीजन्स बताने हैं कि आप वो कोर्स या इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो उसके बारे में आपको बताना होता है और मेरे ख्याल से फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट आपको उसी के बारे में ज़्यादा बताना होता है रैदर देन टेलिंग अबाउट योर सेल्फ फाइन नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है आपका जो नजरिया होना चाहिए लिखने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिविटी कहीं से भी नहीं दिखनी चाहिए भले ही आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हो या फिर अपने बारे में बता रहे हो बहुत से लोग ये होता है कि जॉब अप्लाई कर रहे हैं आप अभी कहीं और जॉब कर रहे हैं आप कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी जहाँ करेंटली आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ की बुराई लिख रहे हो अपने नई जगह में कि आ, मैं इसलिए जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ आपके यहाँ की आपके यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी हैं मेरे यहाँ बहुत बुरी हैं फाइन तो पढ़ने वाले को लगेगा जो सेलेक्ट होगा आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ रहा होगा वही सोचेगा कि यार ये अभी अपने करंट जॉब स्टेटस को इतना बुरा कह रहा है तो कल को ये जब मेरे यहाँ जॉब करेगा तो मेरे को, मेरे को भी बुरा बोलेगा फाइन सो so, आपको नेगेटिविटी कहीं से शो नहीं करनी है पॉजिटिव परस्पेक्टिव रखना है अपना ओके नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड यूर ये जो लास्ट पॉइंट है ये मेनली तब एप्लीकेबल होता है कि जब आप एस किसी जॉब अप्लाई के लिए लिख रहे हो यहाँ पे एक हुआ डिमॉन्स्ट्रेट एवरीथिंग बाय एग्जांपल यानी आप किसी भी क्वालिटी को अगर आप इंट्रोड्यूस करो कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है तो आप उसको शो करिए एग्जांपल के जरिए बताइए कि येस आपके अंदर वो चीज़ है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि दैट डोंट से डायरेक्टली दैट यू आर अ परसिस्टेंट पर्सन शो इट मीन्स परसिस्टेंट का मतलब होता है स्टिकिंग विथ समथिंग सीधे ये ना बोल के कि यू आर वेरी परसिस्टेंट पर्सन परसिस्टेंट जो क्वालिटी होती है इसका मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ में स्टिक करो लगातार uh, आप अपनी जॉब को स्विच ना करो अगर कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा भी उनको प्रेशर लगता है जॉब में तो वो फ़ौरन छोड़ देते हैं जॉब स्विच कर लेते हैं ये जॉब से वो जॉब वो जॉब से वो जॉब तो ये परसिस्टेंसी एक रिक्वायर्ड चीज होती है एक अच्छी जॉब में फाइन सो सीधे ना बोलकर कि यू आर परसिस्टेंट पर्सन यू हैव टू शो कैसे शो करेंगे आप? आप अपना जो करंट करंटली जहाँ वर्क कर रहे हो उसको वहां का बताओगे एक्सपीरियंस बताओगे कि मैं लगातार चार साल से एक जगह ही काम कर रहा हूँ तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल के जरिए आपने बताया कि पर्सन फाइन सो आई विश आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे क्या क्या दिमाग में रखना है जब आप एस को लिखोगे नाउ लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ एस ओ पी देखिये एसओपी को लिखने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता पैराग्राफ्स में लिखा जाता है पर्सनल प्रोफाइल भी पैराग्राफ्स में ही लिखा जाता है जैसे आपको पता होगा कि प्रपोजल राइटिंग जो दस मार्क्स का आता है आई एस सी बोर्ड में उसमें एक तरीका होता है ऑब्जेक्टिव्स लिखना होता है ऐसी कई सारे हेडिंग डाल के कई सारी चीजें लिखनी होती हैं आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा लेकिन यहाँ पर आपको पैराग्राफ्स ही फॉलो करना होते हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा आपको क्लास ट्वेल्थ में जो एस लिखने का क्वेश्चन आएगा जनरली एडमिशन के लिए आता है जॉब अप्लाई के लिए नहीं आता तो ये जो मैंने आपको बताया है फॉर्मेट वो आपका एडमिशन वाला ही है तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको अपने को इंट्रोड्यूस कराना है उसके बाद अपने इंटरेस्ट बताने हैं और मोटिवेशन बताने हैं सिंपली उसके फ़ौर बाद आपको गिवन सब्जेक्ट गिवन सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए आपको फॉरेन इंस्टीट्यूट में लिटरेचर को कंटिन्यू करने के लिए पढ़ाई करना है आप इंग्लिश लिटरेचर में अपना कोई करियर बनाना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ाई करनी है आपको ठीक है आपको एमए करना है या आपको पीएचडी करना है कोई कुछ भी वहाँ से करना है ठीक है तो लिटरेचर से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पे लिखने को आता है ठीक है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ाई करनी है किसी जगह पर तो एडमिशन लेने के लिए एस लिखने को आएगा तो जिस सब्जेक्ट के बारे में आपसे बोलेंगे उसके बारे में आपको रीजंस बताने हैं कि उसमें आपके कितने पकड़ है उस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट में आप क्यों आगे बढ़ना चाह रहे हो उसी के लिए ही आपने क्यों वो चुना है तो अपने इंटरेस्ट अपने रीजंस बताने हैं कि आप कैसे कितने अच्छे हो उस में थर्ड जो आपको लिखना है थर्ड पैराग्राफ जो बनाना है आपको उसमें आपको उस इंस्टीट्यूट की खूबियाँ बतानी है कि आप क्यों उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाह रहे हो ओके okay? उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको अपनी उन क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना है कि जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन मिल सकता है फाइन लास्ट में आपको कंक्लूजन रखना है ये सब तो डिस्कशन हो गया ओवरव्यू है आपका अब हम एक सैम्पल से डिस्कशन करेंगे कि किस कि तरीके से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा जाता है और उसके बाद कैसे सब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है उसके बाद कैसे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना होता है फाइन लेट स्टार्ट जिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बस एन एग्जांपल उसमें इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया गया है यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक ऐसा एसओपी लिखिए कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में आपको लिटरेचर में करियर बनाने के लिए आपको वह एडमिशन लेना है तो आप अपना जो सब्जेक्ट है वो किसको एड्रेस करोगे इंग्लिश लिटरेचर को फाइन तो अगर किसी और सब्जेक्ट में भी आता है मान लीजिए कंप्यूटर्स में या साइंस में तो आप उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें क्या होती है कॉमन होती है तो आप एक ऐसा प्रिपेयर कर लीजिए उसमें कई सारी लाइन्स होंगी वो हर सब्जेक्ट पर कॉमन जाएगी तो वहाँ से आप कुछ लाइन्स को कॉमन कर दीजिएगा और कुछ को आप चेंज कर सकते हैं लेट्स स्टार्ट नाउ टू रीच एंड क्लेम द हाइट्स बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल माई एंडिवर्स यहाँ कुछ वो कैब्स यूज हुए आप उस पर कमांड कर लीजिए आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है क्लेम का मीनिंग है अधिकार जमाना ड्राइविंग फोर्स का मतलब यहाँ पे है मकसद से और एंडिवर्स का मतलब है एफर्ट्स लाइन का मीनिंग सिर्फ इतना है कि मैं इतना एफर्ट्स करता हूँ कि हमेशा मेरा मकसद ऊंचाई तक पहुँचना रहता है यानी मैं छोटे मोटे एफर्ट्स नहीं करता हूँ मेरे एफ़र्ट्स में बहुत मेहनत होती है ये है लाइन का मतलब अगर आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो तो दैट्स ओके तो एस की शुरुआत सीधे आपको अपने एकेडमिक अचीवमेंट से नहीं करनी होती है आपको कोई एक ऐसी लाइन लिखनी होती है जिससे आपकी मोटिवेशन स्किल्स और आपकी यू नो पॉजिटिव ट्रेट्स पता चलें ठीक है अ सेल्फ मोटिवेटेड फोकस एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट ये कुछ एडजेक्टिव्स कुछ बढ़िया एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है अपने को एक्सप्रेस करने के लिए तो यहाँ पे आपने किया कि मैं खुद अपने को मोटिवेट रखता हूँ फोकस्ड मतलब मेरा कॉन्सनट्रेशन बहुत अच्छा होता है जब मैं वर्क करता हूँ एंड बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ और फिर आप बताएंगे कि मेरा एक बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है हमेशा आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड बाई इंग्लिश लैंग्वेज देखिए एकेडमिक अचीवमेंट्स का सिर्फ एक लाइन एड्रेस करके आप अभी तुरंत अपने परसेंटेज वगैरह नहीं बताओगे ओके okay? तो फौरन आपको कहाँ स्विच करना था मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद सब्जेक्ट के ऊपर स्विच करना है तो देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि आई वो ऑलवेज बिन फैसिनेटेड फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड यानी मैं हमेशा अट्रैक्टेड रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के प्रति फाइन दैट इज़ वॉट ड्रिफ्टिड मी टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर इन स्कूल विद कीन इंटरेस्ट और यही वजह है कि जिसने ड्रिफ्टिड का मतलब होता है मेड मी मूवड टूवर्ड्स यानी जिसने मुझे आगे बढ़ाया लिटरेचर को स्टडी करने के लिए कीन इंटरेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मैंने स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी किया है सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने के फौरन बाद आपको स्विच करना है उस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करना है तो यहाँ से आपने लाइन जोड़ी कि देर फोर इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है इसी वजह से आई एम ईगर ईगर मीनस होता है एक्साइटेड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक कोर्स करने के लिए पर्स्यू कहते हैं फॉलो करने को कोर्स uh, को फॉलो करने को कोर्स को करने की इंग्लिश होती है परस्यू ठीक है यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्लिश लिटरेचर में मुझे कुछ कोर्स करना है इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ओके आगे आप फॉर स्विच करोगे उस इंस्टीट्यूट के बारे में या उस कॉलेज uh, या उस यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ आपको एडमिशन लेना है और सीधे आप ये नहीं बोलोगे कि योर इंस्टीट्यूट इज़ वेरी गुड एंड नाइस नहीं आप उसके पूरी भूमिका बांधोगे ठीक है जैसे कि नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया गया इसी पर यूनिवर्सिटी के बारे में इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ राइट मैंटरिंग इज रिक्वायर्ड तो सबसे पहले आप अपनी बात रखोगे कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सही मार्क बिछा के जरूरती मेंटरिंग है मैंट्रिंग मतलब होता है हेल्प करना या एडवाइस करना यानी सही एडवाइस और तो सही मार्ग दिशा की ज़रूरत पड़ती है नाउ यू विल डायरेक्टली स्टार्ट टू अप्रिशिएट द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट और द कॉलेज फाइन यू आर सेइंग हियर कि आई एम श्योर और मुझे पूरा यकीन है कि जो सेंट एंड्रीज़ कॉलेज है वो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी लेवल में एक टोटल ग्रोथ मैं फील करूँगा क्यों ऐसा है अब आप आप बिगर्स लगा के बिगर्स का इस्तेमाल करके कई सारे पॉइंट्स में आपको उस इंस्टीट्यूट की तारीफ़ लिखनी है अब इंस्टीट्यूट को अप्रिशिएट करने के लिए जिन पॉइंट्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो आप हर एस में यूज़ कर सकते हो ओके वो बात अलग है कि हर इंस्टीट्यूट में सेम क्वालिटीज़ नहीं होती हैं लेकिन आपको क्लास ट्वेल्थ आई बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको एक टॉपिक तैयार करना है जब आप वाकई एक जॉब लेवल पर इस लिखोगे तो आप अपने हिसाब से लिखोगे जैसा वो इंस्टीट्यूट है जैसा वो कंपनी है आप उसी के बारे में लिखोगे लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना टॉपिक लिखने के लिए तो आपको एक सॉलिड यू नो पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है और इसके लिए आपने उसको तीन पॉइंट्स बताए क्यों क्योंकि इसका एक ब्रांड नेम है मतलब कि बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये दूसरी पॉइंट सक्सेसफुल अलमनाय अलम किसे कहते हैं अलमनाए इज द प्रूरल ऑफ अलमनस इसका मतलब होता है फॉरमर स्टूडेंट्स पहले के पढ़े हुए स्टूडेंट्स यानी यहाँ के जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स यहाँ से निकले निकल के चले गए अपनी लाइफ में जो इंगेज हो गए हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं आज यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स एंड प्रेस्ट इनवाल्ड और यहाँ के जो रेपुटेशन है इस इंस्टीट्यूट की वो अलग ही है इसकी शानी अलग है और यही तीन चीज़ें जो उसको एक्सेल करती हैं इस इंस्टीट्यूट को सबसे अलग बनाती हैं तो आपने इसको बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला तीन चीज़ों के हेल्प से फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करने के बाद सेकेंड पॉइंट में आपको उस इंस्टीट्यूट के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लिखना चाहिए सेकेंड पॉइंट आप कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि मेरे सीनियर्स जो यहाँ इस इंस्टीट्यूट के पार्ट थे हिस्सा थे उन्होंने यहाँ से जो भी नॉलेज गेन करी है आई हैव लर्न उनसे मैंने ये सीखा है कि जो एजुकेशन पर्स्यूर यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती है वो लाइफ एनरिचिंग है यानी कि एन्जॉयमेंट भी देती है और साथ साथ अप्रिसिएशन भी देती है तो लाइफ एनरिचिंग इज़ अ गुड बुक ऐप टू यूज़ फॉर दैट यू नो अप्रिसिएशन रिगार्डिंग दैट कॉलेज एंड दैट इज़ वॉट आई एम सीकिंग और यही तो मुझको चाहिए कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ अप्रिसिएशन और एन्जॉयमेंट भी मिले सेकेंड पॉइंट आप बता रहे हो कि स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग जो कि लर्निंग यानी सीखने का एक बेस होता है अगर टीचर बॉन्डिंग नहीं अच्छा हो तो ना बच्चा सीख पाता है ना टीचर्स को बच्चों को सिखा पाता है तो यहाँ का टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग से हर बच्चा इंस्पायर होता है और आसमान तक पहुँच जाता है आसमान तक पहुँचने का मतलब है कि उसको बढ़िया सक्सेस मिलती है और जो डीप बॉन्डिंग है यहाँ के स्टूडेंट्स दे का मतलब है स्टूडेंट्स का सीनियर्स का वो अपने अल्मा माटर से कंटिन्यू को रखते हैं इस एक्सपीरियंस को मतलब जो बॉन्डिंग है उनकी वो इस कॉलेज से निकलने के बाद भी खत्म नहीं होती अलमा माटर का मतलब होता है फॉर्मरली अटेंडेड कॉलेज ओके जैसे कि किसी भी ऑथर के बारे में जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो जब गूगल पे विकीपीडिया में या किसी भी साइट पर उसका जो डिस्क्रिप्शन खुल के आएगा तो वहाँ लिखा होता है अलमा माटर यानी कि इन्होंने इस ऑथर ने कहाँ से पढ़ाई की थी उनका फॉर्मरली अटेंडेड कॉलेज कौन सा था तो उसके लिए वर्ड होता है अलमा माटर तो यहाँ कहने का मतलब है कि वो बच्चे यहाँ से निकलने के बाद भी अपने इस कॉलेज से अपनी बॉन्डिंग को बनाए रखते हैं तो ये एक प्रूफ है कि वाकई ये कॉलेज कितना बढ़िया स्टूडेंट्स की लाइफ को शेप करता है कितना बढ़िया बनाता है तीसरा पॉइंट जो आपको उस इंस्टीट्यूट के अप्रिसिएशन में बोलना है फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को रिलेट करके कि काफ़ी लंबी लिस्ट है लिटराटी यानी कि यहाँ जो पढ़ के बच्चे गुजरे हैं उनमें कई सारे लोग लिटराटी भी निकले हैं लिटराटी का मतलब होता है वेल एजुकेटेड पीपल हु आर इंटरेस्टेड लिटरेचर प्रोफेसर हो सकते हैं या पीएचडी कर रहे लोग हो सकते हैं तो यहाँ से निकले हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कई सारी लिस्ट में लिटराटी पर्सनैलिटीज़ मुझे दिखती हैं और बहुत सारे लोग फेमस जर्नलिस्ट भी हो, हो चुके हैं हु हैव मेड अ मार्क मेड अ मार्क का मतलब होता है कुछ स्पेशल कर दिखाना ये लाइफ में उन्होंने बाकी कुछ अच्छा कर दिखाया है और ये सारी चीज़ें आर प्रूव एनफ यानी कि काफ़ी है मेरे को समझने के लिए कि ये वाकई बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करने के लिए तो ये तीन पॉइंट्स में आपको इंस्टीट्यूट को अप्रिशिएट करना है अब उसके फौरन बाद आप एकेडमिक अचीवमेंट्स को बताओगे देन आप अपना कंक्लूजन दोगे एकेडमिक अचीवमेंट को भी सीधे आप नहीं बताएंगे कि आई स्कोर इतने परसेंट मार्क्स नो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है कि क्योंकि मैं हमेशा पैशनेट रहा हूँ मुझे पैशन था अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और वाकई नाइन्टी सिक्स परसेंट मार्क्स मेरे क्ला, क्लास ट्वेल्थ में मुझको मिले थे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आप थोड़ा सा शेयर करोगी कि अकेडमिक्स में यानी पढ़ाई में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के अलावा भी मैंने अपने स्कूल को कई सारे लॉरल्स दिलवाए लॉरल्स का मतलब होता है अचीवमेंट्स ओके और को करी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है नेशनल लेवल ओलंपियाट्स में क्विजिस में एक दो लाइन अपना लिखोगे हॉबीज के ऊपर भी लेकिन हॉबीज के ऊपर ज्यादा नहीं लिखा जाता है पर्सनल प्रोफाइल में हॉबीज पर ज्यादा लिखा जाता है फाइन तो इस तरीके से आपने एस को कम्प्लीट किया लास्ट में आपको एक कॉन्क्लूजन रखना है ये कॉन्क्लूजन भी कई सारे एस में सिमिलर हो सकता है सब्जेक्ट कोई भी हो कॉन्क्लूजन कुछ इस तरीके से लिखोगे कि आई एम कॉन्फिडेंट मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेरे इंटरेस्ट हैं यानी कि लिटरेचर की तरफ जो मेरा रुझाव रहा है और जो मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज रहे हैं स यानी कि ये मेरे इंटरेस्ट और ज्यादा अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे अगर मुझे इंस्टीट्यूट में क्या मिल गया एडमिशन मिल गया एंड मोल्ड भी मोल्ड का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म और मुझको बदल देंगे एक जेंटलमैन में और वो जेंटलमैन कैसा होगा इंब्यूड विद द राइट वैल्यूज ऑफ लाइफ इम्ब्यूड का मतलब होता है फेल्ड विद यानी एक ऐसा जेंटलमैन जिसको लाइफ की वैल्यूज यानी मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है उसमें भी कन्वर्ट कर देगा दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग